अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ ऑन जर्नल। ये लास्ट वीडियो होगी। उससे पहले मैंने कहा आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा दें। पिछली वीडियोस के अंदर भी आपने व्यूज़ देखे होंगे ये, और क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह आपके साथ ये लेसन शेयर करने का, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेसन भी आपसे शेयर करूँ और वेदर भी शेयर करूँ। चलिए जी, सो ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 का ये लेसन है, पेपर वन है आपका। MCQs की हम जो टेक्निकल टिप्स हैं ऑन जर्नल वो डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें ये 13th पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 12 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, और ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज इंशाल्लाह बनेंगी। ये आपका कैम्ब्रिज का एक टिपिकल स्टाइल है जो कि इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ए परचेज्ड अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम CMC। CMC इज़ मोटर कंपनी, और मिस्टर ए ने उसमें परचेज किया है करंट नॉन करंट एसेट्स मोटर व्हीकल। सो ए इसको जर्नल में तो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ए तो इसको रिकॉर्ड करेगा जर्नल के अंदर, राइट। जबकि ये जो CMC है मोटर कंपनी, ये इसको रिकॉर्ड करेगी अपने पास, क्योंकि इनका काम ही मोटर वगैरह सेल करना है, तो इनके लिए तो रेगुलर ये सेल्स है, ठीक है, इनके लिए रेगुलर ये सेल्स है, तो इसको ये सेल डे बुक में ही लिखेंगे अपने पास। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन करता है वो ए के हवाले से भी पूछ सकता है और CMC के हवाले से भी, तो आपने देखना ये है कि ये ए की बुक्स हमसे मांग रहे हैं एग्जामिनर या CMC की मांग रहे हैं, ठीक है। तो जिस पार्टी की बुक्स मांग रही हैं तो आपने उसका बुक कीपर बन के सोचना है। तो यहाँ पे जो है ना, वो उन्होंने CMC के मुतल्लिक कहा जी वो कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो अपने डेटर को डेबिट कर लेंगे, अपने सेल्स जो लेजर्स हैं उनमें इसको डेबिट कर लेंगे, और सेल्स का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि उनकी तो रेगुलर सेल है, और ये अपनी सेल डे बुक में, अगर बुक का क्वेश्चन भी होता कि किस बुक में लिखेंगे, तो हम इनको कहेंगे कि ये सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 14th पॉइंट है, इफ अ ट्रेडर परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर हिज बिजनेस यूजिंग अ चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, तो वो उन्होंने गाड़ी खरीदी अपना पर्सनल सोर्स लगा के और बिजनेस को दे दी, बिजनेस के बाद एसेट आया, एसेट को डेबिट कर लेंगे, और वो कहाँ से आया, ऑनर से, ऑनर का जब भी कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो एज एन कैपिटल कहलाएगा, तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो बिजनेस जो बुक कीपर है वो इसको रिकॉर्ड कुछ ऐसे करेगा। मोटर व्हीकल का जो लेजर है उसको डेबिट कर लेंगे, उसमें डेबिट अमाउंट कर लेंगे, और जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इस सेकंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो इसमें आप देखिए, द जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू अ सोल ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट। जब आपका आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे आप जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस भी सारे इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देते हैं, मीन के इनकम स्टेटमेंट का अगर लेजर बनाएं तो एक्सपेंसेस जो है ना उन्हें डेबिट साइड पे लिखेंगे, और इसी तरह इनकम्स हैं उनको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो उनका फिर नेट रिजल्ट रह जाएगा उसका जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड इनकम स्टेटमेंट की एक्सीड कर गई तो आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, तो उसे डेबिट इनकम स्टेटमेंट को करेंगे तो ट्रांसफ़र होगा, तो ये $10,000 जो है ना वो उसका प्रॉफिट था जो कि कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। कैपिटल को जब भी क्रेडिट करेंगे मीन कि इसमें इजाफा हो रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट की वजह से कैपिटल में इजाफा, अगर लॉस होता तो कैपिटल डेबिट हो जाता और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती। तो लास्ट पॉइंट आपका है, टू हैव अ रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स इन द लेजर एंट्रीज। जो रिटन एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअली जो जर्नल होता है ना वो रिटन एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे ये पार्ट ऑफ डबल एंट्री नहीं है,
ये डेबिट नहीं हमने किया हुआ यहाँ पे, ये क्रेडिट नहीं किया हुआ, ये बताया है कि इसको डेबिट करना चाहिए, इसको क्रेडिट करना चाहिए। उसके बाद जब इनके लेजर बनाएंगे, लेजर में आपने डेबिट में इसके डेबिट में लिखना है और इसके क्रेडिट में लिखना है, तब आपकी डबल एंट्री जो है ना वो कम्प्लीट होगी। टू हैव अ रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्शन ऑफ द एरर्स इन द लेजर एंट्री आर रिटन वी राइट देम इन द जर्नल। तो जर्नल के अंदर आपने इसको लिखना है। तो ये आपकी वीडियोस थी जनाब इस सीरीज की, और अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।